गुड इवनिंग दोस्तों, श्रीराम कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के अनुसूचियां और मूल संविधान की जो अनुसूचियां थी उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी, यानी कि 8 अनुसूचियां अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद अगली 9वीं अनुसूची आज पढ़नी है। एक बार मैं पुनः रिवाइज कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 4थी अनुसूची, जिसमें राज्यसभा की निर्वाचित सीटों का आवंटन किया गया है। 5वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो 5वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र को छोड़कर के शेष बचे हुए राज्यों के अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। 6थी अनुसूची की अगर बात की जाए तो 6थी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा, संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। और 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा, यानी कि वे भाषाएं जिनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। मूल संविधान में 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जबकि वर्तमान समय में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यहां तक अपन ने चर्चा की थी। इसके बाद नेक्स्ट अगली अनुसूची है अपनी, और वो है 9वीं अनुसूची। आइए देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल या 9वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो 9वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं जोड़ी गई थी, बाद में जोड़ी गई थी। अब 9वीं अनुसूची के बारे में अगर देखें तो 9वीं अनुसूची में कौन से कानून जोड़े गए उसके बारे में अगर देखा जाए तो 9वीं अनुसूची यानी कि इसमें जोड़े गए कानून, 9वीं अनुसूची में जो कानून जोड़े गए थे, 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। 9वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो 9वीं अनुसूची में जो कानून जोड़े गए थे उनकी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। अब इस प्रकार का मुद्दा क्यों उठा या इस प्रकार की चीजें क्यों जोड़ी गई कि न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, आखिर ऐसा क्या हुआ था? अपन अगर देखें कि 9वीं अनुसूची में इस प्रकार की व्यवस्था क्यों की गई थी उसके बारे में अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं स्पष्ट रूप से सीधा सा कि 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, उस 9वीं अनुसूची में जो न्यायिक समीक्षा की बात की गई या 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई, सीधा सा प्रश्न है, क्यों जोड़ी गई? अगर यहां पर अपन बात करें 9वीं अनुसूची की तो आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता के समय, यानी कि देश जब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के समय की बात कर रहा हूँ, यानी 1947 की अगर बात करें, जब भारत आजाद हुआ था उस समय की अगर अपन बात करें तो स्वतंत्रता के समय भारत में व्यापक तौर पर गरीबी गरीबी भूखमरी और बेरोजगारी, भारत में व्यापक तौर पर गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त थी। अगर देखा जाए इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या थे, उनमें अगर देखा जाए तो भारत की 1947 में लगभग 80% आबादी, कितनी 80% आबादी जो थी, आबादी वो किसान थे। क्या थे? किसान। और किसान कैसे? भूमिहीन किसान। किसान कैसे थे? भूमिहीन किसान, यानी कि ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं थी। अब अगर बात की जाए, भूमिहीन किसान थे तो ये किसान जो थे केवल बटाईदार या काश्तकार के रूप में काम करते थे, काश्तकार के रूप में काम, यानी कि इनकी स्वयं की जमीन नहीं थी, बटाईदार या काश्तकार के रूप में ये काम करते थे। अब मुद्दा उठता है कि भाई जमीन थी किसके पास, जमीन की अगर बात करें तो जमीनें थी किसके पास? आप सभी को पता उस समय, तत्कालीन समय की अगर बात करें तो जमीनें जो थी वो थी शासक वर्ग के पास, यानी कि जो राजा महाराजा थे, जमीनें अभी भी उनके नाम पर ही थी, शासक के पास थी जमीन, या फिर यूं कहें जागीरदार जो थे उनके पास जमीन थी, या यूं कहें जमीदार जो थे इनके स्वामित्व में या इनके नियंत्रण में ही जमीनें थी। तो
तो जमीनें इनके पास सीधी थी नहीं। और आप सभी को पता है कि जो भूमि जो है, भूमि की अगर बात की जाए तो भूमि राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय। राज्य सूची का विषय होने के कारण, यानी कि भूमि राज्य सूची का विषय था, और राज्य सूची का विषय होने के कारण इस भूमि संबंधी मामले के ऊपर कानून जो है राज्य सरकारों के द्वारा कानून बनाया गया। किसके द्वारा? राज्य सरकार, यानी कि राज्य सरकारों के द्वारा कानून का निर्माण किया गया। और राज्य सरकारों ने, अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारों ने भूमि सुधार अधिनियम लागू किया। क्या लागू किया? भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम लागू किया। और इस भूमि सुधार अधिनियम, है ना, भूमि सुधार अधिनियम की बात करें तो इस भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से भूमि अधिग्रहण किया गया। भूमि का अधिग्रहण, अधिग्रहण यानी कि एक निश्चित सीमा से अधिक अगर जमीन है तो उसका अधिग्रहण सरकार कर लेगी। इस तरह की बात आई थी कि भूमि सुधार अधिग्रहण के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया। और किसकी भूमि? जो शासकों की भूमि थी उसका अधिग्रहण हुआ, जमींदारों की जो भूमि थी उसका अधिग्रहण किया, जागीरदार जो थे इनकी भूमि का अधिग्रहण किया था। जब भूमि का अधिग्रहण किया गया तो इस बात को न्यायालय में चुनौती दी गई। क्या दिया गया? भूमि अधिग्रहण को क्या दी गई? चुनौती प्रदान की गई, यानी कि इसको चुनौती दी गई। अब मुद्दा उठेगा कि भूमि अधिग्रहण को चुनौती क्यों दी गई? इसके पीछे कारण सीधा सा स्पष्ट है कि भूमि अधिग्रहण कानून जो था उसको चुनौती क्यों दी गई। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 31, यानी कि अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया गया है। किसका? संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 31 में। और यहाँ पर राज्य सरकारों ने क्या किया? भूमि सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि आर्टिकल 31 का यहाँ पर क्या हुआ है? सीधे सीधे उल्लंघन हुआ है। इस बात को लेकर के भूमि सुधार अधिनियम या भूमि का जो अधिग्रहण हुआ था उसे न्यायालय में क्या दी गई? चुनौती दी गई। और चुनौती की अगर बात करें तो सबसे पहले सामने नाम आता है एक, और वो नाम है कामेश्वर प्रसाद। कामेश्वर प्रसाद, कामेश्वर प्रसाद की अगर बात की जाए तो कामेश्वर प्रसाद बिहार के जमींदार थे। कहाँ के थे? कामेश्वर प्रसाद एक जमींदार थे, और ये कहाँ, किस राज्य से संबंधित थे? बिहार से संबंधित थे, बिहार के थे कामेश्वर प्रसाद, और जमींदार थे। इन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अपना केस दर्ज किया, और कामेश्वर प्रसाद बाद में पटना उच्च न्यायालय या पटना हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। और निर्णय देते हुए कहा कि जो वाद है, या यूं कहें जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, वो असंवैधानिक है। क्या है? असंवैधानिक। यानी कि पटना हाई कोर्ट ने कामेश्वर प्रसाद वाद में भूमि अधिग्रहण को क्या बताया? असंवैधानिक बताया। यानी कि जो भूमि अधिग्रहण जो किया गया है, इसे अधिग्रहण जो किया है इसे क्या बताया है? असंवैधानिक घोषित किया। तो कामेश्वर प्रसाद वाद के बाद अलग अलग राज्यों की, यानी कि जो अलग अलग स्टेट थे, उन अलग अलग स्टेट की सरकारों ने या न्यायालयों द्वारा भूमि अधिग्रहण को असंवैधानिक घोषित किया। मतलब न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। अंततः मामला पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कहां पहुंचता है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मामला पहुंचा। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम का समर्थन किया। भूमि सुधार अधिनियम का क्या किया?
समर्थन किया, भूमि सुधार अधिनियम का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि भाई सभी को कानून का समान संरक्षण, समानता तो है ही है लेकिन समान संरक्षण मिलना चाहिए, यानी कि भूमि सुधार अधिनियम का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा समर्थन किया गया। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि इसके लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए या केंद्र सरकार को भूमि सुधार के लिए एक अनुसूची तैयार करनी चाहिए, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसमें समर्थन किया। और उसके बाद केंद्र सरकार के लिए कहा था इन्होंने कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर अलग से कोई एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए। तो इस फैसले के बाद हमारी संसद ने प्रथम संविधान संशोधन किया। क्या किया था? प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन हुआ था जून 1951। जून 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ। और इस प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई, नवी अनुसूची जोड़ी गई। यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। और इस नवी अनुसूची की अगर बात की जाए तो इस नवी अनुसूची में भूमि सुधार कानून जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून जोड़ा गया, भूमि सुधार कानून जोड़ा गया। तथा कहा गया है कि नवी अनुसूची में जो कानून है, पहला तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो भूमि सुधार कानून जोड़ा गया, आर्थिक समानता पर बल दिया गया था। और दूसरी बात इसमें कही गई थी कि नवी अनुसूची अवाद योग्य है। क्या है? अवाद योग्य है, यानी कि इस नवी अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, इस प्रकार की बात कही गई थी नवी अनुसूची में। फिर जैसे ही नवी अनुसूची में ये बात कही गई कि यहाँ अवाद योग्य है और भूमि सुधार कानून जोड़ा गया, जैसे ही अवाद योग्य या न्यायिक समीक्षा की बात आई तो नवी अनुसूची को चैलेंज किया गया, यानी कि इसको एक कोर्ट में पुनः चुनौती दी गई थी। और कोर्ट में चुनौती, नवी अनुसूची की बात कर रहे हैं अपन, नवी अनुसूची को चुनौती दी गई। और इस बार जो चुनौती दी गई थी वो चुनौती दी गई थी शंकरी प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? शंकरी प्रसाद, ये बिहार के ही थे। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या यूं कहें भारत संघ। शंकरी प्रसाद और भारत संघ जो वाद था, इस वाद में शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ वाद में नवी अनुसूची को चुनौती प्रदान की गई थी। और यहाँ जो चुनौती दी गई थी उस चुनौती के आधार की अगर बात की जाए, यानी कि नवी अनुसूची को किस आधार पर चुनौती दी गई थी, अगर आधार की बात करें तो आधार में पहला बिंदु इन्होंने रखा था कि अंतरिम संसद के द्वारा संविधान संशोधन कैसे कर दिया गया। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके बाद जो हमारी संविधान सभा थी उस संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया था। जैसे ही अंतरिम संसद के रूप में इसने कार्य प्रारंभ किया, उसके बाद 1952 में स्थायी संसद, या यूं कहें 1952 में निर्वाचन के बाद संसद क्रियान्वित की गई थी, लेकिन उससे पहले 1952 से पहले अंतरिम संसद ही कार्य कर रही थी। तो शंकरी प्रसाद वाद में पहला आधार बनाया गया था कि अंतरिम संसद ने संविधान में संशोधन कैसे कर दिया। और दूसरा कहा था कि यह अवाद योग्य है, चुनौती नहीं दी जा सकती है, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, तो यह न्यायिक समीक्षा का अतिक्रमण है, अतिक्रमण, न्यायिक समीक्षा का अतिक्रमण है। इन दो आधारों को लेकर के शंकरी प्रसाद ने नवी अनुसूची को न्यायालय में चुनौती प्रदान की थी, यानी कि अंतरिम संसद संविधान में संशोधन कैसे कर सकती है और न्यायिक समीक्षा का अतिक्रमण हो रहा है। इन दोनों आधार को लेकर के शंकरी प्रसाद ने नवी अनुसूची को चुनौती दी। और इस चुनौती के संदर्भ में सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया।
और निर्णय देते हुए उच्च न्यायालय ने जो पहला बिंदु था कि अंतरिम संसद के द्वारा संविधान संशोधन कैसे, तो निर्णय में माननीय न्यायालय ने कहा था कि नवी अनुसूची, जो नवी अनुसूची, नवी अनुसूची सही है। निर्णय में क्या कहा, नवी अनुसूची सही है, यह लागू रहेगी, लागू रहेगी, इस प्रकार की बात कही थी माननीय उच्च न्यायालय ने। और उच्च न्यायालय ने इन दोनों आधारों को खारिज करते हुए कहा था कि जो आधार दिए गए थे उस आधार के आधार पर इन्होंने निर्णय दिया, और इन्होंने कहा था कि अंतरिम संसद, जो अंतरिम संसद है, अंतरिम संसद है, इसमें अंतरिम संसद में या अंतरिम संसद में संसद की सभी शक्तियां निहित हैं, सभी शक्तियां निहित हैं, यानी कि अंतरिम संसद में संसद की सभी शक्तियां निहित है। और दूसरा जो कहा गया था कि न्यायिक समीक्षा का अतिक्रमण है, इसमें न्यायालय ने कहा था कि आर्टिकल 14 जो है, जिसमें विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण, यानी कि इन्होंने कहा था कि जनहित में निर्णय दिया था और कहा था कि जनहित में विधि का समान संरक्षण, जनहित में विधि का समान संरक्षण आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि अंतरिम संसद में संसद की सभी शक्तियां हैं, यानी कि वह संविधान संशोधन कर सकती है। और न्यायिक समीक्षा के आधार पर इन्होंने कहा था कि जनहित में विधि का समान संरक्षण आवश्यक है, तो कोई न्यायिक अतिक्रमण नहीं हुआ है। तो इस प्रकार शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ वाद में कहा गया था कि नवी अनुसूची वैध है। क्या है, वैध है, यानी कि नवी अनुसूची क्या रहेगी, लागू रहेगी। बात समझ में आई, शंकरी प्रसाद वाद में नवी अनुसूची को चुनौती दी गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अब यहां पर अगर बात करें अपन नवी अनुसूची के संदर्भ में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला है कि इसमें भूमि सुधार कानून है और इसकी न्यायालय में समीक्षा नहीं होगी, इस प्रकार का है। लेकिन यहां से इसमें कई सारे परिवर्तन हुए हैं, तो उन परिवर्तन के आधार पर अगर क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां पर आप एक प्रश्न देखें, प्रश्न है आपके सामने कि नवी अनुसूची, नवी अनुसूची के संबंध में सही कथन है, सही कथन है, नवी अनुसूची के संदर्भ में सही कथन है, कौन सा कथन सही है आपको यहां पर देखना है। आपके सामने विकल्प हैं, पहला है कि अंतरिम अंतरिम संसद ने नवी अनुसूची जोड़ी, नवी अनुसूची जोड़ी। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने कि इसमें केवल भूमि सुधार कानून है। तीसरे विकल्प की बात करें, तीसरा विकल्प है कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और चौथा विकल्प है कि इंदिरा गांधी के, इंदिरा गांधी के समय सर्वाधिक अधिनियम जोड़े गए, अधिनियम जोड़े गए, अधिनियम जोड़े गए। और इसके लिए आपको अगर इस तरह से विकल्प प्रदान कर दिए जाए कि पहला विकल्प है आपके सामने ए बी सी डी, दूसरा विकल्प है आपके सामने बी डी, और तीसरा विकल्प है आपके सामने बी
सी डी, और चौथा विकल्प है आपके सामने ए सी और डी। अगर यहां पर बात की जाए ABCD, इसको कर दो ए और डी, ए और डी। अगर आपके सामने इस तरह के विकल्प दे दिए जाए तो आपको देखो ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। नवीं अनुसूची के संदर्भ में सही कथन पूछा है, पहला पूछा है कि अंतरिम संसद ने नवीं अनुसूची जोड़ी, नवीं अनुसूची अंतरिम संसद ने नवीं अनुसूची जोड़ी। दूसरे विकल्प की अगर बात की जाए तो दूसरा विकल्प था कि इसमें केवल भूमि सुधार कानून, क्या कहा गया है, केवल भूमि सुधार कानून। तो आपको ध्यान रखना है कि नवीं अनुसूची में केवल भूमि सुधार कानून नहीं है, इस नवीं अनुसूची में कुल 284 विषय है। कितने हैं? 284 विषय। इन 284 विषयों में से 35 विषय की अगर बात की जाए तो 35 विषय अन्य है, यानी कि 284 में से 35 विषय ऐसे हैं जिनका संबंध भूमि सुधार से नहीं है। इन 35 विषय में अगर देखा जाए तो आर्थिक अपराध विषय हैं, फिर देखा जाए तो आरक्षण आरक्षण और कर्नाटक कर्नाटक राज्य का जो जनजाति क्षेत्र है उसका उल्लेख है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि भूमि सुधार में नवीं अनुसूची में केवल भूमि सुधार ही नहीं है, आर्थिक अपराध, आरक्षण और कर्नाटक के जनजाति क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया है। फिर कहा गया है कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि केशवानंद भारतीवाद का निर्णय दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने, और वो निर्णय आया था 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 को निर्णय आया था केशवानंद भारतीवाद का। और उस वाद में कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो विषय नवीं अनुसूची में जोड़े गए वो वाद योग्य है। एक ऐसा ही फैसला 2007 में आया था, उच्चतम न्यायालय ने 2007 में एक फैसला या एक निर्णय सुनाते हुए कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा होगी। फिर देखा जाए तो इंदिरा गांधी के समय सर्वाधिक अधिनियम जोड़े गए, यस 284 विषयों में से अगर बात की जाए तो 182 विषय इंदिरा गांधी के समय ही जोड़े गए हैं। अब देखो आपको छांटना कैसे है, यहां पर आपको ध्यान देना है कि अंतरिम संसद ने नवीं अनुसूची जोड़ी, फिर दूसरा था कि इसमें केवल भूमि सुधार, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि केवल शब्द का प्रयोग हुआ है, केवल भूमि सुधार, यानी कि दूसरा स्पष्ट रूप से गलत है। तो आपको इसमें देखना है कि किस किस में दूसरा विकल्प आ रहा है, इसमें दूसरा विकल्प आ रहा है, तीसरे में दूसरा विकल्प आ रहा है, तो ये तो दोनों तो ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो कहा गया है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन 24 अप्रैल 1973 और 2007 के निर्णय में कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के विषयों को चुनौती दी जा सकती है, तो सी भी गलत हुआ। तो ये सी, तो अब सही क्या है, ए और डी, यानी कि नवीं अनुसूची अंतरिम संसद के द्वारा जोड़ी गई थी। फिर कहा गया है कि इंदिरा गांधी के समय सर्वाधिक अधिनियम जोड़े गए, ये सही है। यहां पर न्यायालय में चुनौती 1973 के पहले वाले मामलों को नहीं दी जा सकती, लेकिन बाद वालों को चुनौती दी जा सकती है, यानी कि वर्तमान में यह एक वाद योग्य है। फिर अगर देखा जाए तो केवल भूमि सुधार नहीं, भूमि सुधार कानून है, लेकिन भूमि सुधार के साथ आर्थिक अपराध, आरक्षण और कर्नाटक के जनजातीय क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया है नवीं अनुसूची में। यानी कि आगे अगर अपन बात करें तो आपको सीधा सा याद रखना है कि जो नवीं अनुसूची है, इस नवीं अनुसूची की अगर अपन बात करें तो नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी, या 1951 के द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें क्या है, भूमि सुधार कानून है इसमें। इसके बाद अगर बात की जाए तो 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए विषयों को
न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, दी जा सकती है। बात स्पष्ट हुई, ये थी आपकी 9वीं अनुसूची। इसके बाद अगला पार्ट आता है अपना 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल विरोधी कानून है, और दल बदल विरोधी कानून वर्तमान में एक बहुत ही बड़ा सामयिक मुद्दा है, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। थैंक यू।